नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हाल ही में जम्मू और कश्मीर में हुआ ये है कि मार्कोस और NSG जो कमांडो हैं इनको तैनात किया गया है। मार्कोस मरीन कमांडो, ठीक ना, जो आपको नेवी के कमांडो होते हैं उनको कहा जाता है मार्कोस मरीन कमांडो, और NSG कमांडो, ठीक है, इनको तैनात किया गया है। कश्मीर में होने वाला है G20 का पर्यटन मंत्रियों का, जितने भी G20 के 20 देश हैं उनके सभी देशों के पर्यटन मंत्री आए हुए हैं। उन पर्यटन मंत्रियों का जो सम्मेलन है वो आपको कश्मीर में होने वाला है। यह जो है 22 से 25 मई के बीच होने वाला है। तो 22 से 25 मई के बीच जो पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन कश्मीर में हो रहा है, उनकी हिफाजत के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे NSG और मरीन कमांडो दोनों को नियुक्त किया गया है। देखिए, पिछली बार दोनों को नियुक्त कब किया गया था, जब मुंबई में ताज होटल पे हमला हुआ था, तो ऑपरेशन ये दोनों ज्वाइंट मिलकर किए थे। तो इस बार भी यहाँ पे इनकी सिक्योरिटी के लिए, ताकि अच्छे तरह से G20 का ये सम्मेलन संपन्न हो सके, तो यहाँ पे NSG कमांडो को भी और मरीन कमांडो को भी नियुक्त किया गया है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। NSG जो कमांडो है उसकी स्थापना 1984 में हुई थी, और इनका जो लोगो है या फिर जो स्लोगन है वो कहा जाता है नेवर से गिव अप, ठीक ना, नेवर से गिव अप। इसमें जो है करीब 53% इंडियन आर्मी से रिक्रूट होते हैं, 53% इंडियन आर्मी से आते हैं, और 45% जो है अन्य अर्धसैनिक बल जैसे CRPF, ITBP, RPF, इन सब से जाते हैं। और यहाँ पे 10 साल, ठीक ना, यहाँ पे NSG में जाने के लिए 10 साल सेना में होना, भारतीय सेना में होना जरूरी माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं कि जो मार्कोस मरीन कमांडो है इसकी स्थापना 1987 में है। इनका जो टैगलाइन है वो है द फ्यू द फियरलेस, यानी कि फ्यू, ठीक ना, और द फियरलेस। तो अमेरिकी जो नेवी सील है उनसे कई जाना बेहतर भारत की, ठीक ना, भारतीय नेवी की ये मार्कोस कमांडो होते हैं। जैसे सेना में 10,000 में से 1,000, 1,000 में से एक कमांडो बनता है मार्कोस कमांडो। तो मार्कोस कमांडो चाहे वह जल में हो, थल में हो या वायु में है, तीनों जगह ऑपरेशन करने में सक्षम होती है। ठीक है, चाहे वह आतंकवाद हो या नेवी का ऑपरेशन हो या एंटी पायरेसी ऑपरेशंस हो, ये चीज़ें। तो मार्कोस सबसे भारत की बेस्ट, नंबर वन, मार्कोस मरीन कमांडो जो होते हैं सबसे नंबर वन है। अब यहाँ पे देखेंगे जो G20 का कश्मीर में हो रहा है, वहाँ ये मार्कोस NSG कमांडो तैनात करने के पीछे एक और कारण है। यहाँ जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है उसके एक नेता हैं महमूद अहमद सागर, तो उसने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो राशिद अलवी हैं उनको खत लिखा है कि कहीं ना कहीं आप इस मैटर को उठाइए और यहाँ पे सम्मेलन मत होने दीजिए, क्योंकि दुनिया भर के लोग कश्मीर में आएंगे। जब दुनिया भर के लोग कश्मीर में आएंगे तो कश्मीर का विकास देखेंगे, और जब कश्मीर का विकास देखेंगे, डेवलपमेंट देखेंगे, सड़कें देखेंगे, टनल देखेंगे, हर चीज़ को देखेंगे, तो वो जान जाएंगे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यहाँ की डेवलपमेंट देख के वो समझ जाएंगे, ठीक ना, कि ये जो प्रोपोगेंडा है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का और पाकिस्तानी सरकार का, तो ये जो दुष्प्रचार कर रही, प्रोपोगेंडा कर रही हैं, तो पूरी दुनिया में इनके प्रोपोगेंडा पूरी तरह से उजागर हो जाएगी। चीन भी अपनी आंखों से देख लेगा कि यहाँ तो डेवलपमेंट ज़बरदस्त है, सऊदी अरब भी देख लेगा कि कश्मीर का तो भी इस साइड वाला जो हिस्सा है उसका विकास भारत ने बहुत ज़बरदस्त किया है। तो दुष्प्रचार करने का कहीं कोई मौका रहेगा नहीं, इसलिए भारत सरकार ने भी G20 का जो पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन है उसको अवश्य के, यानी एकदम जरूरी से जरूरी उसको कश्मीर में कराकर बहुत ही अच्छा काम किया है। इंटरनेशनल लेवल पे एक कश्मीर की पहचान बनेगी, यहाँ जो विकास हुए हैं उसकी एक पहचान बनेगी, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे NSG और मरीन कमांडो जब से तैनात हुए हैं तो कई ऐप को भी बंद कर लिया जाएगा, बंद कर दिया गया है, ठीक ना। वैसे जो इंटरनेट फ्री होते हैं, इंटरनेट कॉलिंग जिनकी फ्री होती है, जिसमें क्रिपवाइजर है, एनिग्मा है, सेप्स्यूस है, विक्रमय है, तो प्रोटेक्शन जरूरी है, सुरक्षा जरूरी है। तो G20 बहुत अच्छे तरह से निश्चित रूप से होगा, और यह आपको 22 से 25 मई का भी अच्छा है, आप भी देखिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।